सो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अंदर न्यू वीडियो गाइस। आज ही इस वीडियो में मैं आप लोग सिखाऊंगा कुछ इस तरह की पबजी वाली फ्लर्टिंग। तो गाइस जो भी पबजी लवर हैं, ये वीडियो खास करके उनके लिए है, तो प्लीज़ पबजी लवर से वीडियो को जो है एंड तक देख लेना, ठीक है। अगर आप साथ में एक पबजी लवर हो तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। और इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना इसी तरह की फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। और हाँ गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं जो है ये वाले बैकग्राउंड को पिक्सआर्ट मैं ओपन कर लूंगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसको रिसाइज कर लेना, मैंने जो है पहले से रिसाइज कर रखा है। तो सिंपली यहाँ ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपना मॉडल पीएनजी जो है ऐड कर लेंगे। गाइस इसका बैकग्राउंड मैंने पहले से इरेज कर रखा है, अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हाउ टू इरेज फोटो बैकग्राउंड, उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो पहले इस वीडियो को देख लो, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। तो कुछ इस तरह जो है आपको यहाँ पर परफेक्टली सेट कर लेना है, तो मैं यहाँ पर फटाफट सेट कर लेता हूँ, आप जो है आराम से सेट कर लेना, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पर सेट कर लिया ऐसे, एंड सिंपली गाइस ऊपर से मैं इसे करूँगा डन। एंड गाइस डन करने के बाद चले जाएंगे अगेन ऐड फोटो के अंदर, एंड यहाँ से मैं AWM, जो भी पबजी खेलता है उसको तो पता होगा ये कौन सा गन है, ठीक है। मैं उसको जो है यहाँ पर ऐड कर लूँगा, इसका कैपेसिटी कम करके। एंड यहाँ से जो है कुछ इस तरह से जो है हाथ पे यहाँ पर मैं परफेक्ट सेट कर लूँगा फटाफट से, आप जो है आराम से कर लेना। एंड सिंपली यहाँ पर इरेजर पे क्लिक करके इसका हार्डनेस को फुल कर दूँगा, एंड कुछ इस तरह से जो है जूम करूँगा और इरेज कर दूँगा, ठीक है। हाथ को ऊपर वाला हिस्सा को जो है इरेज कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो को फास्ट करता हूँ ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट जो है इरेज कर लिया, एंड इतना करने के सिंपली कर दूँगा डन, एंड इसका कैपेसिटी फुल कर दूँगा। एंड गाइस सिंपली ऊपर से मैं इसको कर दूँगा डन। एंड गाइस डन करने के बाद देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो सिंपली चल जाना अगेन ऐड फोटो के अंदर, एंड इस वाली बैग पीएनजी को ऐड कर लेना, ठीक है। इसको जो है यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना, एंड साइड रख देना। एंड पहले इस वाले को पहले लगा लेते हैं इस साइड में, ठीक है, दूसरे इस शोल्डर में लगा लेते हैं और दूसरा वाला दूसरे शोल्डर पर लगाएंगे। तो इसको कुछ इस तरह सेट करके इरेजर पर क्लिक करके और ऊपर वाला हिस्सा को इरेज कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को फास्ट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला को पकड़ के लाएंगे, इसको घुमा लेंगे कुछ इस तरह से, एंड इसको भी इधर जो है लगा लेंगे यहाँ पर। मैं भी तो यहाँ पर जो है थोड़ा वीडियो को फास्ट करता हूँ, ठीक है, आप जो है बिल्कुल आराम से कर लेना। एंड इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गाइस काफ़ी जो अमेजिंग लग रहा है, तो फोटो को मैं यहाँ से डन कर दूंगा, ठीक है। टूल्स में जाऊंगा, एडजस्ट में जाऊंगा, एंड ब्राइटनेस को बढ़ा दूंगा, एंड कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा के इरेजर पे क्लिक करके इन्वर्ट कर दूंगा, एंड यहाँ पर सेटिंग को चेंज कर दूंगा मैं इरेजर का, ठीक है, मतलब ये ब्रश का। तो फिर जूम करके कुछ इस तरह से जो है फोटो पर लाइटिंग दे दूंगा फटाफट, ठीक है, आप जो है दे देना फटाफट। तो मैं यहाँ पर जो है फटाफट लाइटिंग दे देता हूँ, एंड गाइस लाइटिंग दे के थोड़ा सा ऊपर की लाइटिंग देता हूँ। एंड इतना देने के बाद सिंपली ऊपर से कर दूंगा डन, एंड यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर दूंगा, एंड सिंपली कर दूंगा ऊपर से डन। एंड गाइस डन करके चलेंगे आगे नेट फोटो के अंदर, एंड इस वाले लेंस पेन जो ऐड कर लेंगे, एंड ब्लेंड में जाकर स्किन कर देंगे, यहाँ नीचे सेट कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा कर लेता हूँ, एंड सिंपली कर दूंगा ऊपर से डन। एंड गाइस डन करने के बाद चले जाएंगे आगे नेट फोटो के अंदर, एंड इस वाले टेक्स्ट पेन जो ऐड कर लेंगे, यहाँ छोटा करके यहाँ पर ऊपर में सेट कर लेंगे, एंड सिंपली कर देंगे ऊपर से डन। एंड गाइस डन करने के बाद क्या करेंगे, चले जाएंगे सिंपली अपने ड्रॉ टूल में और इस फोटो को कर लेंगे सेव। गाइस अब जो है लाइटरूम में अपने जाके कलर रिटचिंग करेंगे, जिससे जो है हमारा फोटो बैकग्राउंड मैच हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने जो है फोटो को ओपन कर लिया लाइटरूम में, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा, हाईलाइट कम करके शेडो बढ़ाऊंगा और वाइटनेस को बढ़ाऊंगा और ब्लैक को बढ़ा दूंगा, ठीक है। इतना करने के नीचे टूल के अंदर आ जाऊंगा, एंड इसका जो टेम को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, ज़्यादा हो गया लगता है, थोड़ा सा कम करता हूँ, ज़्यादा हो गया, एंड इतना रहने दूंगा। एंड वाइब्रेशन बढ़ा के मिक्स टूल में चले जाएंगे, सेकंड कलर क्लिक करेंगे, ह्यू कम करके सैचुरेशन कम करके लेमिनेशन बढ़ा देंगे, येलो कलर में आके ह्यू को कम करके सैचुरेशन बढ़ा देंगे। एंड गाइस सिंपली ऊपर से मैं नहीं मतलब ऊपर से कर दे डन, ठीक है, काफ़ी मतलब यहाँ पे जो है कलर एडिटिंग हो गया। एंड उसके बाद थोड़ा सा इस वाले टूल्स में आएंगे, एंड इसका जो है टेक्स्चर को बढ़ा लेंगे, एंड क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा यहाँ पर बिग नेट को कम कर दूंगा, ठीक है। एंड इतना करने के बाद काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे, एंड इसका शार्पनिंग को बढ़ा लेंगे, एंड नॉइस डिटेक्शन को बढ़ा लेंगे। तो गाइस इतना करने के बाद देख सकते हो हमारा फोटो जो है यहाँ पर परफेक्टली रेडी हो चुका है, काफ़ी कूल एंड अमेजिंग लग रहा है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना, ठीक है।